जगोरी हमर मिथिला अम्मी आपकी बहू मिल गई। सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है, हम जा रहे हैं मिथिला हाट घूमने। यहाँ देख सकते हैं गाड़ी लगी हुई है और हम विद फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन 38 किलोमीटर है मिथिला ब्लॉग, 1.5 घंटा लगेगा जाने में। ब्लॉग काफी ही अमेजिंग होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। गाइस अभी हम ये राहुल ढाबा पे रुके हैं खाना खाने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ अभी हम कुछ देर के लिए रुके हैं और खाना खाने के बाद फिर से निकलेंगे। तो चलिए अभी खाना खाने जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं मिथिला हाट यहाँ आ चुका है, हम लोग मिथिला हाट पहुँच चुके हैं। बोर्ड लगा हुआ हम लोग देख सकते हैं। हम लोग अभी मिथिला हाट के पार्किंग में देख सकते हैं आप। तो अभी यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा वो टिकट काउंटर पे जाके पता चलेगा, उसके बाद हम लोग इंट्री करेंगे मिथिला हाट के अंदर। तो चलिए चलते हैं फिर। यहाँ हम टिकट ले लिए हैं, अब अंदर इंट्री करेंगे। तो गाइस जैसे आप इंट्री करिएगा, सबसे पहले आपके सामने रहेगा ये तालाब और ये उसके बाद ये रेस्टोरेंट जहाँ आप बैठ कर खाना खा सकते हैं। अंदर में सारी सुविधा है खाना खाने के लिए और फिर ये कुछ खूबसूरत नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। तो अभी ज़्यादा आदमी नहीं है क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है। तो हमारे ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिए ताकि हर नई चीज़ आप देख सकें। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग मिथिला हाट का ये खूबसूरत नज़ारा। मैं आपको शॉपिंग करने हो तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ वो सब का भी इंतज़ाम किया गया है। तो गाइस यहाँ शॉपिंग का सारा इंतज़ाम किया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ भी दुकान है शॉपिंग के लिए। यहाँ पे कुछ कुछ किचन के सामान भी मिल जाते हैं और मसाले के डिब्बे सब भी मिल जाते हैं। यहाँ पे स्लीपर सब भी मिल जाता है और गाइस यहाँ पे टैडी के भी सारे सामान मिल जाते हैं। तो गाइस आप मिथिला हाट में भी आकर भी शॉपिंग को भूल नहीं सकते हैं, यहाँ सारे इंतजाम किए गए हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, यहाँ मेरी फैमिली फोटो भी हो चुकी है और हम लोग अभी मिथिला हाट के उस साइड जाएंगे। ये पूरा एरिया घूम लिया हम लोग, तो अब उस साइड जाएंगे हम लोग। उस साइड देख सकते हैं वहाँ जाना पड़ेगा, तो चलिए उस साइड चलते हैं फिर। तो गाइस फोटो वाले भैया के पीछे पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी लेना है हमको PDF। तो अभी फ़ोटो वाले भैया के शॉप पे जाएंगे और फिर PDF लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे खुद से पेंट कर रही है ये। देख सकते हैं आप लोग, इसका खुद का अपना आर्ट है। टी शर्ट पे भी ये छपाई कर सकती है। बेजगोरी हमर मिथिला में टूटतौ गुमान सहरसा जिला में मिल जाते हैं मिथिला हाट के अंदर। और देख सकते हैं चारों तरफ ही कॉस्मेटिक के दुकान हैं, तो आप लोग को मिथिला हाट में भी आके शॉपिंग कर सकते हैं आप लोग। तो गाइस ये रहा भंसाघर, देख सकते हैं आप लोग।
ये है पुराने मॉडल के घर हैं और इसमें काफी भीड़ चल रही है। तो गाइस हंसघर में आते ही लगी है भूख और लेंगे हम यहाँ पे स्प्राइट। तो एक माजा दो ना। तो गाइस भानसाघर में लिट्टी चोखा खाने के लिए टिकट लेना पड़ रहा है। स्प्राइट एक चाहिए, एक स्प्राइट चाहिए, हाँ, और दो लिट्टी चाहिए, दो लिट्टी और एक स्प्राइट। भानसाघर का अलग ही रूल है, यहाँ टेबल पे बैठते ही ऑर्डर लिया जाता है। तो टेबल यहाँ पे कोई सा भी खाली नहीं है, 10 मिनट वेट करना पड़ेगा और वेट हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो जा रहे हैं। अम्मी आपकी बहू मिल गई। ये भानसाघर जो कि मिथिला हाट में है और खूबसूरत तो ज़्यादा है, बट क्या किया जाए, खाने के लिए दिक्कत हो रही है, इधर पे वेट करना पड़ रहा है खाने के लिए। मिथिला हाट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ जिम भी अंदर में बनाया गया है जिम बॉय के लिए, देखिए जिम बॉय अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ किसी चीज़ का कमी नहीं दिया गया। सो गाइस इसमें कुछ खाने के लिए हम जा रहे हैं, चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। रेस्टोरेंट काफी खूबसूरत है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग बुद्धजी हैं, काफी खूबसूरत है अंदर से ये। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं शाम का व्यू कुछ ऐसा है बैकग्राउंड में, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है हमारे बैकग्राउंड में, और अभी शाम जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे आदमी लोग का तादाद बढ़ रहा है यहाँ पे, और शाम को एकदम खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने अंदर। तो गाइस पूरा मिथिला घूमने के बाद हम लोग को भूख लगी है और हम लोग यहाँ साथी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ खाने के बाद अभी और भी घूमना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है। काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये, और फिर बाहर का व्यू भी आप लोग देख सकते हैं। गाइस हो चुकी है अभी रात, और रात में मिथिला हाट का कुछ ऐसा नज़ारा है, अंदर बोट चल रही है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है रात में, तो रात के व्यू काफ़ी खूबसूरत है। और अभी हम लोग खाना ख़त्म करके बाहर आए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा है। अभी एक और यूट्यूबर आया हुआ है, तो चलिए उनसे भी मिलते हैं, वो अभी उस साइड पर, तो चलिए अभी उधर भी चल रहे। तो एवरीबॉडी अब हो चुका हम लोग का टाइम और हम लोग घर निकलने वाले हैं, और मेरा फ़ोन भी कम चार्ज है, तो वहाँ सब बैठे हुए हैं और मेरा फ़ोन कम चार्ज है, इस वजह से वीडियो कम बनाए। तो चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।